आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे चैनल में। कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। आज की जो डिजाइन है बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी डिजाइन है। इसको हम बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, लेडीज कार्डिगन में और जैकेट में भी डाल सकते हैं। आप जेंट्स स्वेटर बना रहे तो उसमें भी डाल सकते हैं। ये देखिएगा, मैंने इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं अपनी पसंद का। चलिए चलते हैं अपने डिजाइन की तरफ। ये देखिएगा, इसमें मैंने मेन कलर जो लिया है वाइट लिया है और उल्टी साइड से मैंने इसमें सेकंड कलर लगाया है। ठीक है, ये मेरे डिजाइन की फर्स्ट रो रहेगी और पहली रो में सेकंड कलर से बनाऊंगी। आप चाहे तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, येलो मेन रख सकते हैं और वाइट को बाद में यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिएगा पूरी रो उल्टी साइड से उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। डिजाइन जो है मेरा ये तीन तीन फंदों के मल्टीपल चलेगा। ये इस तरीके से और पूरी रो भी बना लेते हैं। देखिएगा डिजाइन की सेकंड रो है और सीधी साइड है। पहले वाला फंदा ये मैं सीधा बना लूँगी, धागा अपनी तरफ लेके आऊँगी, दो फंदे इसमें यहाँ पे हम उल्टे बनाएंगे। ठीक है, धागा पीछे करेंगे। ये देखिएगा यहाँ से इस साइड से ऐसे एक फंदा लेंगे और वापस इसी वाले फंदे में दोबारा डालेंगे पीछे से। ठीक है, इस तरीके से धागा अपनी तरफ। ये देखिएगा एक बार ऐसे दो फंदे ये उल्टे बनाए हमने, धागा पीछे करेंगे यहाँ इस साइड से। ठीक है, इस साइड से एक फंदा वापस, ये दूसरा फंदा, यही तीन फंदे हैं जो पूरे डिजाइन में हमारे बार बार रिपीट भी होंगे। दो फंदे उल्टे, धागा पीछे और यहाँ पे इस साइड से, यहाँ से ना इस साइड से, और एक फंदा पीछे से, यानी एक में से दो बनाने। बहुत सिंपल सा डिजाइन है लेकिन बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। देखिएगा डिजाइन की थर्ड रो बन के कम्प्लीट हुई। ये डिजाइन की हमारे सॉरी डिजाइन की सेकंड रो बन के कम्प्लीट हुई। अभी यहाँ पे थर्ड रो है, उल्टी साइड है। जो दो फंदे हमने उल्टे बनाए हैं ना, सीधे बनाएंगे उल्टी साइड से हम, धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों का एक करेंगे सीधा बनाते हुए, धागा दूसरी तरफ, दो फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, इन दोनों फंदों को एक साथ बनाएंगे उल्टा बनाते हुए, दो फंदे सीधे उल्टी साइड से, धागा अपनी तरफ, इन फंदों को उल्टा बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन है, बहुत खूबसूरत है। एक बार आप जरूर ट्राई करना और अगर पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा प्लीज। ये देखिए ये डिजाइन की थर्ड रो बन के हमारी कंप्लीट हुई। ये देखिएगा दिखने भी लगे कितना प्यारा सा। अब डिजाइन की फोर्थ रो है और सीधी साइड है, पूरी रो ये हम सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेते हैं इसको, पूरी रो को सीधा सीधा बना के कंप्लीट इस तरीके से। ये देखिएगा चार रो के बाद इस तरह का दिखेगा। अब ये यहाँ से डिजाइन की हमारे फिफ्थ रो शुरू होगी जो हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। पूरी रो सीधी सीधी बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिएगा पूरी रो उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट करेंगे। चलिए कर लेते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे अब डिजाइन की हमारे सिक्स रो है। पहले वाला फंदा सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे। ये देखिएगा यहाँ से सेम डिजाइन हम रिपीट करेंगे, ये और ये बाद में। ठीक है, एक में से दो इस तरीके से। ये देखिएगा इस साइड से ऐसे लेंगे, फिर यहाँ से इस साइड से लेंगे।
उल्टा, धागा पीछे, इस साइड से लेंगे फिर इस साइड से लेंगे। ठीक है, और इसी तरह से बना के पूरी रो भी कंप्लीट करेंगे। ये डिजाइन की सेवंथ रो है और उल्टी साइड है। स्टार्टिंग के दोनों फंदे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ दो फंदों का एक करेंगे, धागा दूसरी साइड दो फंदे सीधे, धागा अपनी साइड दो फंदों का एक, धागा आगे दो फंदे सीधे अपनी साइड दो फंदों का एक, और इसी तरह से बनाते हुए पूरी रो भी बना के कंप्लीट कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं ये ऐसे, ये देखिएगा इस तरीके से। ये डिजाइन के हमारे फोर्थ रो सॉरी एट रो है और सीधी साइड है। पूरी रो सीधी सीधी बना के ही कंप्लीट करेंगे, सीधी साइड है ये इस तरीके से। चलिए बना लेते हैं, ये देखिएगा एट रो के बाद इस तरह का दिखेगा। जब इसकी हम एट एट रो बनाएंगे तो इसका फाइनल लुक इस तरह का आएगा। अगर आपको ये डिजाइन पसंद हो या आपको मेरी बताने का तरीका पसंद हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।